नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको बिच्छ बारस की पौराणिक कथा सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नामक का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी दो रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उसे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय के बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उस दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौवंश द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गौवंश द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा भी की जाती है। हे भगवान, जैसी कृपा आपने राजा और रानी पर की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, हुकार भरने वाले, आपका व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। बोलो गौ माता की जय हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी।